ये वचन जो है एचकेएल भविष्यवक्ता ने लिखा था, और एचकेएल भविष्यवक्ता जो यीशु के आने से 630 साल पहले उसने इसका वर्णन किया था। ये जीवन की जल की नदियों के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है? जीवन लिविंग वाटर, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर। एचकेएल ने पहले से ही यीशुआ के आने को देख लिया था, और एचकेएल ने पहले ही यीशु के 1000 साल, जिसको मिलेनियम किंगडम बोलते हैं, यीशु का 1000 साल का सिंहासन को भी इसमें बताया है। हालेलुया। कितने लोगों ने एचकेएल पढ़ा है? 47। किसको समझ, कितनों को समझ में आया? हालेलुया, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर यह बोलना है कि पूर की ओर नदी बह रही है, एक छोटी सी नदी बह रही है। कैसी नदी बह रही? छोटी सी। वो जो नदी है एक भवन से बह रही है, और ये यहां पर ये जो बता रहा है एचकेएल भविष्यवक्ता, बता रहा है कि कलवरी के क्रूस से कलवरी के आंगन से एक नदी बह रही है। हालेलुया। अभी देखो, 4 पॉइंट को मैंने बोला, 4 पॉइंट इसमें आए। 4 पॉइंट कहां का है? पहले जल कहां तक था? पहले जल एंकल फिट था, टखनों तक था। Then it rose again and it started touching the knee, घुटनों तक आया। Then again it raised up, the level has come to the waist, कमर तक आया। Then ये पूरा ऊपर तक आया। हालेलुया। There are 4 levels of the Christianity life has been given. There are the 4 ankle deep, and the knee deep, and the waist deep, and the fully drowned immersed into the water of the living water. हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है, वो सिर्फ बेतलहम के गांव से शुरू हुआ था। वो छोटी सी नदी कहां से शुरू हुई थी? बेतलहम के गांव से शुरू हुई थी, और वो नदी बहते बहते कहां तक गई थी? 12 चेलों के पास गई थी। हालेलुया। 12 चेलों से वो नदी बहते बहते कहां तक गई थी? आज बोलो यहां बैठे। हालेलुया। इज़राइल से शुरू हुआ था, पूरे विश्व तक गया। यानी एक छोटी सी नदी जो परमेश्वर के भवन से निकल रही है, वो खाली दिनों को भरना चाहती है, वो बह रही है, बह रही, जीवन जगत सोता बह रहा है, खाली जगह बह रहा है। जिनका मन सूखा हुआ है वहां बह रहा है। हालेलुया। यहां पर वर्णन है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अपने मसीहा को दिखा रहा है, जिसके अंदर से जीवन जगत सोता बह रहा है। जब रोमन सोल्जर ने, रोमन सैनिक ने यीशु मसीह को भेदा था, तो 2 चीजें निकली थी। क्या क्या निकली थी? लहू और पानी निकला था। लहू इसलिए निकला था कि पहले यूहन्ने के पहले अध्याय 7 में लिखा था, और 9 में लिखा है कि परमेश्वर का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता और सामर्थी है। हालेलुया। और दूसरा पानी इसलिए निकला था कि जो सूखा है, जिसका जीवन सूखा है, उसको वो भर दे। वही नदी वो एचकेएल ने देखा, वही एचकेएल ने दृष्टांत में देखा, वही नदी जो छोटी सी थी, अभी देखो कैसे वो बहती जा रही है। 1000 फीट के दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर वो बढ़ती जा रही है, वो लेवल बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। जो गॉस्पल कुछ लोगों पर, जो सुसमाचार कुछ लोगों तक, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मतलब कि परमेश्वर ने हमको अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ये दिया हुआ है। सुसमाचार क्या है? कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा उद्धार होगा। हम लोग कैसे सुसमाचार पाते हैं? हम लोग अनुग्रह हम पर करते हैं, और हम विश्वास से उसको ले लेते हैं। अनुग्रह मतलब शक्ति, पावर। वो सुसमाचार जो परमेश्वर के जीवन बदलता है, उस अनुग्रह भी यीशु ने दिया और विश्वास भी यीशु ने दिया है। उसमें लिखा कि कोई इंसान ये ना कहे कि मैंने किया, आई हैव डन इट, नो, बाय ग्रेस यू वर सेव्ड थ्रू द फेथ। वो भी दोनों चीजें किसने दी है? यीशु ने दिया। जो छोटी सी नदी थी, जब हम किनारे खड़े रहते हैं, यहां खड़े हैं, इसके यहां खड़ा होगा, और नदी यहां से बह रही है, अनुग्रह के सिंहासन से अभी बह रही है, तो आगे से चल रहा है। उसको कौन ले जा रहा है? एंजल लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? शार्दूल लेके जा रहा है। फिर आगे जाता है, तो वो कहां तक पानी है? यहां तक है, एंकल तकने तक। फिर उसके बाद कहां तक आ जाता है? घुटनों तक। फिर उसको 1000 किलोमीटर तक लेके जाता है। फिर वो कहां तक आता है? यहां पर आता है, फिर यहां पर आता है। ये 4 हम लोग के जीवन के 4 चरण है। 4 stages are being shown in Ezekiel. How we are increasing in spirit, how we are improving in our spiritual life. It be shown in Ezekiel. ये Ezekiel में चित्रित किए गए हैं।
अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है कि जब यीशु ने याकूब के कुएं के पास एट द जैकस वेल जीसस व्हाट सेड, यीशु ने क्या बोला था? वो जो स्त्री थी वो सोच रही थी यीशु मसीह भी एक ऐसी है और ये क्या है पानी के लिए परेशान है, और वो पानी जो है लिटरली किस कौन से पानी को समझ रही थी, जो पानी हम लोग डेली पीते हैं, जबकि यीशु मसीह उसको बोले थे कि जो अगर तू मेरा पानी पिएगी तो तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। वो पानी क्या है? वो पानी है लिविंग वाटर, ऐसा पानी है जो अनंत काल से निकलता है, जो कभी सूखता नहीं है। हम धरती के लोग, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि हर वचन से निकले हुए वचन से इंसान जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। और वैसे ही परमेश्वर के पानी जो सूखता है, जीवन जल का सूखता है, उसको पिएगा तो कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्यासा नहीं रहेगा मतलब क्या? निकोदमस ने, यीशु निकोदमस जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने बोला कि जब तक तू फिर से पुनर्जन्म न ले, जब फिर से जन्म न ले, अगेन यू रीबर्थ, यू कैन नॉट एंटर इनटू द हेवन। जब तू नए सिरे से जन्म ले तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदमस ने कहा मुझको फिर से मां के घर में जाना पड़ेगा। हालेलुया, वो समझ नहीं पाता, जबकि वो कौन था? रब्बी था, बहुत ही ज्ञानी था वो, लेकिन परमेश्वर का राज्य को समझ नहीं आया पाया था। परमेश्वर कहता है कि दो तरीके हैं जिसमें तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकते हो। पहला, जब तुम रिपेंट करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? पवित्र आत्मा से तुम्हारा बपतिस्मा होता है। पवित्र आत्मा बपतिस्मा क्या है? जब पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल लेता है, लिविंग वाटर भी बोल सकते हैं आप उसको, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार हो सकते हैं, वो जो आप पर टच करता है, यानी कि जीवन जल की नदियां क्या बहती है? यहां पर सूखा पड़ा है, जो परेशान है, द वर्ल्ड इज ड्राई, पूरा ये आभार जो आप देखेंगे सूखा है, लोग दुख तकलीफ में है, और आपके अंदर जीवन जल की नदियां, हाउ विल कम टू नो दैट द लिविंग फाउंटेन इज इनसाइड यू? जब आप किसी परेशान आदमी को देखते हैं जो बहुत डिस्परेट है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिसका कोई समाधान नहीं धरती पर, तो आप क्या बोलते? भाई इधर आओ, मेरे पास इसका इलाज है। यीशु मसीह से दुआ करोगे तो वो हो जाएगा। वो क्या हुआ? तुमने अपनी कुवत पे नहीं बोला, अपने दम पे नहीं बोला, कहां से बोला? जो जीवन जल का सोता कहां है? वचन लिखा है। क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से हम, हालेलुया। तो वो जीवन जल का सोता कहां से निकला? यीशु से निकला। हमने कहां तक किया? ड्राई लैंड। ड्राई लैंड कौन है? जो आदमी परेशानी में है, जो बीमारी में है, जो तकलीफ में है। अगर तुम घर से पानी पी के जाते और उसके घर पे जाते तो फिर मांगते एक गिलास पानी लगा ले, तो तुम क्या बोलते कि जब तुमको खुद पानी की जरूरत है तुम उसको पानी क्या पिलाओगे? तुमने कौन सा पानी पिलाया? दैट इज कॉन्स्टेंट लिविंग फाउंटेन विच इज फ्लोइंग थ्रू द थ्रोन विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट एटर्निटी यू आर गिविंग अन टू हिम। वो अनंत काल का श्रोता है, जो जीवन है, जो आप किसको पिला रहे हैं? उस आदमी को, उस स्त्री को पिला रहे हैं जो परेशानी में है। तुम ये एश्योरेंस दे रहे हो कि तुम यदि आज मरोगे तो तुम परमेश्वर के साथ हमेशा काल के लिए प्रवेश करोगे। तुम ये बता रहे हो कि तुम अगर दुआ करोगे यीशुआ के नाम पे तो Acts 10:38 लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, बंधुए वाले आजाद हो जाएंगे। सिस्टर और ब्रदर तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। किसी कुवत पे? यीशु पे। कौन सा फाउंटेन, कौन सा जो है वो झरना जो तुम्हारे अंदर बह रहा है, कौन सी सामर्थ्य है? जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो पवित्र आत्मा की आपके अंदर अभिषेक बह रहा है, उसके दम पे तूने बोलेगे। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा सूख गया है, यदि आपके अंदर आत्मिक जो झरना है, जो मसीहा के द्वारा बहना है, सूख गया, तो आप क्या बोलोगे उससे? नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे। हालेलुया। मर रहे तो मरने दो। हालेलुया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तुम्हारे जीवन जल का सोता है तभी तुम उस मसीहा का उसको हिया दोगे, उसको हिम्मत दोगे, विल इनकरेज इन द नेम ऑफ जीसस, व्हेन हिज रन्स ड्राई हिज लाइफ यू शावर द वर्ड ऑफ गॉड। जब उसका जीवन सूख रहा है तब परमेश्वर का वचन उसको बोलोगे। यदि तुम ही सूखे हुए हो तो तुम उसको परमेश्वर का वचन से उसको हिया, उसको इनकरेज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद सोता सूखा हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा का झरना तुम्हारे अंदर नहीं बह रहा। द लिविंग फाउंटेन इज नॉट रनिंग इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर ड्राई इन द स्पिरिट, बट यू आर ड्राई, यू कैन नॉट मेक अदर वेट। जब तुम खुद सूखे हुए हो तुम दूसरे को गीला नहीं कर सकते, जो तुम्हारे पास नहीं है तुम दूसरे को नहीं दे सकते। हालेलुया।
It's your work to pray, to encourage the desperate soul, not think that will it work or not. ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उसको बताओ कि ना होगा कि नहीं होगा. तुम्हारा ये काम है, तुम उसको बता दो. हालेलुया. Work is his. Even move the mountain. You only required to just press it. चट्टान हटेगी नहीं हटेगी. एक मैं थोड़ी सी कहानी बताऊंगा. बहुत साल पहले जब मसीह में नया नया आया था, तब मेरे को एक पास्टर साहब ने बोला था. उन्होंने बोला था कि एक आदमी था, उसने बोला था कि हमारी प्रेयर आंसर नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा. बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बिकम वेरी डिस्परेट एंड कुछ हो नहीं रहा. तो उसको रात में प्रभु ने दर्शन दिया. उसने बोला कि एक बाहर पत्थर रखा है, उसको सिर्फ तुम धक्का लगा. तो डेली जाता तो धक्का लगा था उसको. शी वाज क्रशिंग द बिग स्टोन. हालेलुया. बोला हाँ धक्का लगा था. बोला हाँ लगा दिया. बताओ जब तुम परेशान मत हो. तुमको हमने बोला क्या? सिर्फ धक्का लगा. हिलाना मेरा काम है. आई कैन शेक द माउंटेन, आई कैन शेक, आई कैन फ्लो द रिवर इन ड्राई लैंड. योर वर्क इज टू जस्ट प्रेस इट. तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ जस्ट धक्का लगा. अब एचकेएल के बारे में देखते हैं. एचकेएल कह रहा है कि मैं यहां पर था, जैसे आगे बढ़ा तो तकने. तो कई लोग ऐसे हैं जो हमने देखता है मसीह में, जो किनारे खड़े रहते हैं, ऐसे किनारे खड़े हैं. ऐसे नदी देखो, एचकेएल ने नदी बताई, नदी बह रही है. पहले कहां तक है पानी? टखनों तक, एंकल फीट. कहां तक है? एंकल फीट. वो पहला आदमी बारे में बता रहे हैं, एचकेएल, जो किनारे खड़े हैं. वो देख रहे हैं क्या हो रहा है. यहां देखने आते हैं चर्च में. हालेलुया. कि क्या हो रहा है, कुछ इनका ईश्वर कुछ करता कि नहीं करता. हालेलुया. ये दृश्य देखते हैं. क्यों जाए मंदिर? हालेलुया. अरे बाबा, जब जहाज तुम्हारा बाहर खड़ा है समुद्र के आगे, वो लगकर खड़े खड़े जंग लग जाएगा. अगर तुम्हारा जहाज समुद्र के बाहर खड़े रखेंगे, बाहरी रखेंगे, तो क्या होगा उसमें? उसको बाबा तुम समुद्र में डालने का, उसको समुद्र में डालना पड़ेगा. वैसे ही तुम्हारा विश्वास, तुम किनारे खड़े रहेंगे तो क्या लग जाएगा? उसको डालना पड़ेगा ना अंदर. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू प्रेस ऑन. वैसे ही लोग होते हैं जो किनारे खड़े रहते हैं. हमें क्या देखते कुछ हो रहा है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं भाई के साथ डॉक्टर के पास गए. अबे देखो, जाते ही सब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास. हालेलुया. आप लोग जाते नहीं? आते भाई, हम तो ही तो गए. तो मैं क्या करता हूँ, जब इसका देखता हूँ डॉक्टर का परफॉर्मेंस कैसी रहती है, तब मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब मेरे को भी प्रॉब्लम. हालेलुया. हालेलुया. जब देखता हूँ कि जो डॉक्टर है इसका इसको फायदा कर रहा है, तब बोलता हूँ मेरे को भी दवा दे. पहले नहीं लेता हूँ मैं. व्हाट इज दिस मनी? हालेलुया. भाई इसको अगर फायदा करेगा तो आई मीन सिंपल से मैंने एक्सपीरियंस किया इसके बाद. हालांकि तो वैसे ही कई लोग हैं किनारे खड़े रहते हैं, देखते रहते कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा तो एक दो बार नहीं आ रहा तो वापस चले जाते हैं. ये एचकेएल बता रहा है कि पानी कहाँ तक था? तकनों तक था. फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, 1000 किलोमीटर या 1000 फीट अंदर जाते हैं तो क्या होता है? पानी कहाँ तक आता है? घुटनों तक. कई हमारे ऐसे मसीह बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं, जो घुटनों तक जिंदगी में रहते. हालेलुया. घुटनों तक बोला क्या? घुटने बोले तो ऐसा थोड़ा सब लोग आए हैं, दुआ करी, पूरी नहीं हुई तो चौक पर मशीन नहीं करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. तुरंत घुटने से सीधे आ जाएंगे किनारे ऐसा. हालेलुया. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? पहले लोग तो किनारे खड़े रहते, जो आते ही नहीं है, आते देखते क्या हो रहा है. यीशु मसीह क्या करता है? दूसरे लोग क्या होता है, थोड़ा कोशिश हिम्मत करते हैं, मसीह में आते बपतिस्मा ले लेते हैं. अब उनका कहां तक पानी आता है? उतनी तक आते हैं. थोड़ा नील डाउन हो जाते हैं, दुआ करते हैं, पर नहीं होते, फिर लपक के पीछे आ जाते हैं इसे. ये दूसरे बिलीवर है. हालेलुया. मैं नहीं बोल रहा. कौन बोल रहा है? एचकेएल बोल रहा. हालेलुया. मैं नहीं बोल रहा. लिविंग फाउंटेन इज अ फ्लोइंग ऑन द ड्राई लैंड इन द डेजर्ट प्लेस इन अ डिसोलेट प्लेस. हु डिजायर्स हु वांट्स लेट इट फिल्ड. परमेश्वर का पानी बह रहा है, सूखे स्थानों में बह रहा है, निर्जन स्थानों में बह रहा है, सूखे स्थानों में बह रहा है, लेकिन ये हमारे ऊपर है उसको ले या ना ले. जीवन जल का सोता कहां से आ रहा है? कलवरी के क्रूस से आ रहा है, जो सबको बहता जा रहा है. ये याद रखे खुदा के लोगों, जो गॉस्पल, जो सुसमाचार 12 लोगों में शुरू हुआ था और आज कहां पहुंच गया, पूरी दुनिया को उसने प्रभावित करा है.
वैसे अगर मसीह में आप बने रहेंगे तो आप दुनिया को प्रभावित करेंगे। यू कैन शेक द नेशन इफ यू कंटिन्यूअस योर कंटिन्यूएशन इन अ फेथ। अगर आप मसीह के में बने रहते हैं, मसीह के वचन में चलते रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी दम पर नहीं बोलूँ, वचन बोलता है तुम दुनिया को हिला सकते हैं। हालेलुया। ओनली डेनियल को उसके तीन दोस्त सद्रक मेशक अबेदनगो ने पूरे बेबीलोन को हिला दिया था। आज पूरे बेबीलोन है जो एक आदमी नहीं हिला पाता। हालेलुया। बाइबल सेज इन जकरिया 4 नॉट बाय द पावर नॉट बाय द माइट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट माउंटेन विल बी मूव्ड। जकरिया के 4 में लिखा है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से बस तेरी आत्मा से पहाड़ हिल जाएगा। हालेलुया। तो दूसरे लोग कहां तक आ गए? तक यहां तक आ गए। ध्यान दे केम रे टू द एंड दैट नी नीड नी तक यहां तक घुटने तक आ गए। मुझे जल में चलाया, जल कमर तक था। फिर उन्होंने क्या किया? दे ट्राइड अगेन, दे वेंट टू द डीपर, दे द वाटर लेवल केम अप टू द वेस्ट लेवल। हालेलुया। ये हमारी मसीह लाइफ जो है करीब 5 से लेकर 10 साल वाली होती है। हालेलुया। ये वाली मसीह लाइफ जो होती है किनारे वाली, ये होती है शुरू में, और 3 से 4 साल वाली मसीह लाइफ होती है जो थोड़ी सी घुटनों पे होती है। आप जो ये वाली मसीह लाइफ होती है, यहाँ पर मेडिकल साइंस बोलते हैं कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो रही है। हालेलुया। यहाँ से हमारे फ्रूट दिखना शुरू हो जाते हैं, हमारे फल दिखना शुरू होते हैं। फल क्या है? गैलेशियन 5:22 में लिखा है, लव जॉय पीस एंड्योरेंस काइंडनेस सेल्फ कंट्रोल जेंटलनेस मीकनेस। हम लोग 10 साल से ऊपर हो जाता है मसीह जीवन में, हमारे फल दिखना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इधर वाले लोग हैं और जो इधर वाले लोग हैं, यानी कि जो एंकल फीट वाले हैं, जिनका जिनका जीवन यहाँ पर नीचे टखनों तक है और जिनका घुटनों तक है, उसे बोलते हैं आई एम फार बेटर देन देम। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है मुझसे अच्छे हैं। कहाँ तक वाला पानी? यहाँ तक वाले पानी। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोल रही है उनको कि तुम ना गुनगुने हो ना ठंडे हो। Revelation 2nd chapter says to the Laodicean church, the Spirit says to the Laodicean church, you are lukewarm. I'm going to speak now. तुम गुनगुने हो ना गर्म गर्म नहीं हो, मैं तुमको उबलने पे हूँ। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं इनसे अच्छा हूँ, मैं इनसे बेटर हूँ। उनका कैसा होता है कि उनके कुछ जीवन जो है आधा पानी में रहता है, यानी कि आधा किस में रहते हैं? स्पिरिट, और आधा क्या? दुनिया। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट सेज टू द स्पिरिट, आत्मा आत्मा से बात कर रहा है। हालेलुया। स्पिरिट सेज टू स्पिरिट, आत्मा आत्मा से बात कर रहा है। हम पानी में रहते हैं, आधा हम पवित्र आत्मा में रहते हैं और आधा अपना मस्ती करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बिकॉज इफ वी आर इन एयर, एविशन 2nd सेज दैट वी आर इन्फ्लुएंस थ्रू थ्रू द एयर। हम लोग जो है दुनिया के उसमें प्रभावित होते हैं। दुनिया में क्या है? एफिसियन 6:12 से एफिसियन में 6 अध्याय के 12 में लिखा है कि हमारी लड़ाई लोहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से। किससे? अंधकार शक्तियों से जो हवा में है। अभी देखो, जनरली मैंने देखा लोग डेविल बोलते, डेविल इज बिहाइंड मी, ये बोलते हैं ना, शैतान मेरे पीछे पड़ा, सिस्टर ब्रदर शैतान मेरे पीछे पड़ा बोलते हैं। अरे बाबा, शैतान इज कॉन्स्टेंट, शैतान इज नॉट ओमनीपोटेंट ओमनीसेंट। शैतान जो है सब कुछ नहीं मालूम उसको, वो सब जगह नहीं रह सकता, वो एक ही जगह रह सकता है, या तो हॉलीवुड में होगा या तो बॉलीवुड में होगा या तो पता नहीं कहाँ होगा, एक ही जगह रह सकता है। अरे बेटी मैं पढ़ सैटन कैन नॉट, सैटन इज नॉट लाइक जीसस, जीसस कैन बी एट एनी टाइम कैन मूव एनीवेयर, लेकिन शैतान जो है एक ही जगह रह सकता है। हाँ, एफिसियन स्क्रिप्चर आगे क्या बोलता है? एफिसियन 6:12 की बाइबल आगे ये बता रही है कि उसके जो फॉलन एंजल्स हैं, जो उसके गिराए गए दूत हैं, वो क्या करते हैं? वो लगा देते हैं लोगों के पीछे, स्वर्गदूत जो रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी नहीं पढ़ सकते आपको, वो भी आपको पढ़ नहीं सकते, बिकॉज उनको नहीं मालूम रहता। बट बाइबल सेज की जो है प्रोवर्ब्स 4 में लिखा है कि तू अपने अपने वचन तुम्हारे जीभ में, जबान में जीवन अमृत है, दैट अ लाइफ इन एंड एंड लाइफ एंड अ डेथ इन योर टंग। तुम्हारे जवान में जीवन और मृत्यु है, जो उसको प्रयोग में लाना जानता है वो जीवन पाता है। Those who know how to use it, they get the life. अभी देखो, तुमको परेशानी आई, you in desperate situation, और तुमने क्या किया? अरे कुछ नहीं हो रहा है, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं होता भाई,
बोला, कोई तो बोलता होगा हालेलुया, कुछ नहीं होना, दुआ कर रहे, कुछ नहीं होना। तुमने क्या किया? तुमने अपने मुंह से बोला। और बाइबल बोलती है कि तू जब अपने बच्चों से फंसा, उस बच्चे को कौन, किसने पकड़ा? फॉलन एंजल्स। हालेलुया। उसको कुछ नहीं पता था तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। इट डजंट नो, कैन नॉट रीड इनसाइड यू, कैन नॉट रीड योर माइंड, बट ही कैचेस द वर्ड। अब इसने तुम्हारा पकड़ लिया। दूसरा, तुम्हारे हाव भाव से समझो, तुम बहुत स्मार्ट है, यू आर वेरी स्मार्ट, तुमको ये बात मालूम है कि वो पकड़ लेता है, तो तुम क्या करेंगे? चुप रहेंगे। कितना बोले तुम बोलेंगे, कितनी अंदर अंदर बड़बड़ा लो, अंदर अंदर बड़बड़ा रहे, गाले लिया, अंदर बड़बड़ा, समझ रहे ना, अंदर अंदर गुस्सा लिया, कुछ नहीं हो रहा तुम, हाला लिया, बेटी मैं पॉइंट, बट योर बिहेवियर चेंज, तुम्हारा जो आउटर जो है वो है वो चेंज, उसको रीड करते हो और फॉलन एंजल्स उसको देखते हैं और वो बोलते हैं अब ये बंदा एज ए डिस्ट्रॉयड पोजीशन अब यही करेगा, उसको प्रयोग में लाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज बाइबल में लिखा है, बिकॉज हमारा जो लेवल है तीन तरीके के लेवल, एक तो पहले जब मसीह जीवन में आते हैं तो हमारे शरीर में लड़ाई होती है, दूसरा हमारा नेक्स्ट लेवल आता है जब हम और आगे बढ़ते हैं, शरीर के अंदर लड़ाई मतलब अपने अंदर की जो अभिलाषाएं हैं, जो हमारे अंदर जो स्पिरिट डस्ट है, एनीथिंग विच इज क्रेविंग अगेंस्ट अस, विच इज प्रेसिंग, विच इज टेकिंग अवे फ्रॉम द लॉर्ड, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, हमको उससे लड़ना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है कि समाज वाले बोलते हैं तुम क्यों चले गए मसीह में, क्या मिल गया। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो हमारी लड़ाई कहां शुरू हो जाती है? आत्मिक। कई लोग जिंदगी में पहले लेवल में जिंदगी गुजार देते हैं। हालेलुया। फर्स्ट जॉन 3:8 द क्राइस्ट हैज कम टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ डेविल। यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हम लोग किसलिए आए? शैतान से भागते रहे, डरते रहे। हालेलुया। नहीं बाबा, बिकॉज बाइबल में अगर एफिशिएंस 6 को पढ़ेंगे तो उसमें और भी लिखा है, परमेश्वर के सारे वेपन्स लिखे हुए हैं वहां पर पीछे के लिए। देखो, आपने देखा होगा आपके हाथ के लिए, दैट इज फेथ इज इन योर हैंड, विश्वास आपके हाथ में, तलवार आपके इस हाथ में, यहाँ पर आपके उद्धार का टोप है, यहाँ पर आपका रेचसनेस ब्रेस्टप्लेट ऑफ रेचसनेस है, आपको यहाँ पर बेल्ट ऑफ ट्रूथ है, और पाँव में शूज है, एंड देयर इज नथिंग इज मेंट फॉर द बैक, पीठ के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। हालेलुया। क्यों? बाइबल सेज डोंट शो योर बैक टू द डेविल, पीठ मत दिखाओ शैतान को, यू हैव टू फाइट, बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट जीसस, परमेश्वर के शक्ति में बलवंत बनते चले जाओ, उसका सामना करो। जेम्स 4:6 सेज रेजिस्ट डेविल एंड कम टू द गॉड एंड ही विल फ्ली। शैतान का सामना करो, प्रभु में बलवंत बनो, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको समझना चाहिए शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, उसके जो छुड़वइये हैं, अगर छोटी भाषा बोले छुड़वइये, छोटे छोटे भाई लोग जो वो पीछे पड़ते हैं, वो ये सब ट्राई करते हैं। तो हमको क्या करना है? अपनी जवान को संभाल के नहीं बोलने का बोला सुना, हमेशा बोलना है बिकॉज देयर इज अ फाउंटेन, लिविंग फाउंटेन, व्हाट जिस कैन से देयर इज अ लिविंग फाउंटेन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द इटर्निटी, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द थ्रोन ऑफ ग्रेस, जो एक जीवन जल का स्रोत है जो हमारे यहाँ से आ रहा है, कलवरी के क्रूस से आ रहा है, अनंत काल के सिंहासन से आ रहा है, इट मस्ट फ्लो, ये आना चाहिए। हालेलुया। ना कि निगेटिविटी, कुछ नहीं हो रहा है, ये बीमारी नहीं जाएगी, मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा पिताजी कर्ज था और मैं भी नहीं, खुद भी करेज में रहो, दूसरे को भी करेज में रखो। फाउंड द लॉस्ट टू द सेव्ड, जो लॉस में है, जो खो गए उनको, जो मिले हैं हमें, उनसे ढूंढ के लाओ। वी आर फाइंडिंग द लॉस्ट टू द फाउंड, जैसे सैमुएल इज फाउंड, यू आर फाउंड इन क्राइस्ट, ब्रदर एंड कॉलिन इज फाउंड इन क्राइस्ट। अब इनके द्वारा मैं क्या करूंगा? जो लॉस्ट है उनको बचाऊंगा। दिस इज द गॉस्पल, वी आर फाइंडिंग द लॉस्ट टू द फाउंड। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज द लिविंग फाउंटेन, जीसस सेज, जो मेरे जीवन जल से होता है मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। आप एक गिलास पानी घर से पी के जाते हैं, फिर दूसरे के जाते हैं तो प्यास लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन तुम्हारे अंदर रहता है वो हमेशा सतत बहता रहता है। उस पानी को जहां सूखा है वहां पर बहाना। यशायाह 43 पढ़िए, यशायाह 43 का 19 पढ़िए। मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान होगे?
मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली बस समझ रहे हैं, निर्जल जगह में नदी बहाऊंगा। किसके तरफ अपन नदी बहाएगा? क्या परमेश्वर इतना बड़ा ट्यूब लेके आएगा क्या वो बहाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। The Lord bring that the instrument, the biggest instruments to watering this dry land. No, Lord is using us. Hallelujah. Lord is using us. अरे हम सूखे ना रहे अपने जीवन में, वहां जहां सूखा पड़ा है वहां पर हमको यीशु का बहता हुआ जल का सोता अब हमको वहां बहाना है। We have to find the lost to the found. हमको मिले हुए लोगों से, बचाए हुए लोगों से जो खो गए हैं दुनिया में उनको बचाना है। हालेलुया। तो मैं तीसरे इसके किसके बारे में बोल रहा हूं? तीसरे लोगों को। तीसरे लोग कौन है? Those who are in waste level, जिसमें अब थोड़े थोड़े फ्रूट दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े से एसिडम भी हो जाते हैं, थोड़े थोड़े प्रे कर देते हीलिंग हो जाती है। हालेलुया। First Corinthians 12:7 पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय के 7 में लिखा है कि 9 पवित्र आत्मा के वरदान है, और गलातियों की 5वें अध्याय की 22वीं लाइन लिखे है कि 9 वरदान है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने दुआ करी और ये लोग मैंने प्रेयर करी और आपने हील हो गया। टू हूम यू ग्लोरीफाइंग? बिकॉज यू ग्लोरीफाई योरसेल्फ। तुम किसकी महिमा कर रहे हो? तुम महिमा किसी कर रहे हो? तुम महिमा अपनी कर रहे हो। बिकॉज यू आर हाफ इन स्पिरिट एंड हाफ इन द वर्ल्ड। आधा तुम पानी में हो, आधा पवित्र आत्मा की नदी में हो, और आधा तुम बाहर हो। हालेलुया। I am praying, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना आसान है। तो अगेन आई एम कमिंग टू दिस। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इतने ही गए थे हम अभी भी वापस आ सकते हैं। 10 साल वाले भी खतरे में है। एक तो वो जो किनारे खड़ा है, उनका जहाज किनारे खड़ा, बोले जंग लग जाएगी, पानी नहीं डाले। दूसरे कौन है? जो घुटने तक आए। तीसरे को जो मसीह में आगे 10 साल हो गए। हालेलुया। जिनको फ्रूट भी थोड़े थोड़े आ गए हैं, उन्होंने प्रार्थना भी करने काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जब कुछ दुआ पूरी नहीं होती तो बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है। आज मैं हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरी आंसर नहीं मिल रही है। हालेलुया। मैं निराश हूं, मैं वापस फिर चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आधे आए हैं, वापस मैं जा सकता हूँ। आगे क्या बोलता है HK? आज आत्मा आत्मा से बात कर रहे हैं। स्पिरिट इज टॉकिंग टू स्पिरिट ऑफ गॉड। टेल मी, आत्मा आत्मा से बात कर रहे हैं। चौथा पांचवा पढ़िए, पांचवा HK 47:5 प्लीज रीड। तब फिर उसने 1,000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल भरकर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता। चौथा जो लेवल है, दैट इज लॉर्ड इज मेंट फॉर अस। जो चौथा लेवल है वो मसीह ने हमारे लिए चुना, हम सबके लिए। यानी कि अभी जब आप लोगों ने राफ्टिंग करी होगी, जो पानी में ऐसे करते हैं, देखा उसमें एक सिखाता है, उसका गाइड पहले ही बोलता है कि तुम करंट्स में जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू द वेव्स, देन डोंट फाइट विद द करंट। तुम बहुत तेज बहाव में जा रहे हो, उस बहाव से लड़ना मत। अगर सपोज तुम गिर जाओ तो तुम्हें क्या करना? तुम वो ऐसे करना है और पीछे लीन ओवर हो जाना और बहते चले जाओ। हालेलुया। दैट विल सेव यू। उसको गाइड बताता है जो राफ्टिंग करते हैं। क्यों बताता है? क्योंकि इफ यू ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द करंट, अगर तुम बहाव से लड़ोगे तो क्या होगा? तुम नीचे चले जाओगे और तुम्हारा पैर हो सकता है स्टोन में लग जाए, या तुम्हारा झाड़ी में फंस सकते हो और तुम डूब सकते हो। द बेस्ट थिंग इज टू फॉलो इन द करंट। सबसे बड़ी चीज है उस करंट में बहते चले जाओ। डू लाइक ए सरेंडर और पीछे मुड़ लो, बहते चले जाओ। डोंट फाइट अगेंस्ट द करंट। चौथा लेवल उन मसीह लोगों के लिए है जो बिल्कुल इमर्स हो गए ना, वो इधर नहीं जा सकते, वो इधर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पैर धरती से उठ गया है। Matthew 6:33 says that seek the kingdom and the righteousness of Christ, rest thing will be added in order। परमेश्वर के को धर्मता, उसके स्वर्ग की राज्य खोज करो, बाकी चीजें तुम्हारे पास खुद ही मिल जाएंगी।
पवित्र आत्मा चौथा लेवल बोला हमारे लिए जीवन का सोता, यानी कि हम इतना बीच में आ गए हैं हम उधर नहीं जा सकते। अगर हम उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ, डूबेंगे। वो बोला है जी, कोई तैर के पार होकर के जा नहीं सकता था, यानी कि यू कैनॉट कम टू, तुम तीसरे लेवल में नहीं आ सकते जहां यहीं तक हो, तुम दूसरे लेवल में नहीं आ सकते जहां तुम घुटने तक हो, तुम पहले लेवल में नहीं आ सकते, तुम किनारे खड़े हो। कोई तैर के नहीं जा सकता था, यानी कि तुमको बहाव में बहते जाना है। बाइबल सेज लेट बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बहाव, पवित्र दुनिया के सदस्य मत बनो लेकिन मसीह के जैसा बनते चले जाओ, पवित्र आत्मा के नदी में, पवित्र आत्मा के बहाव में छोड़ो। अभी तुम ये मत सोचो कि अभी कुछ होएगा कि नहीं होएगा, डोंट थिंक, हालेलुया, बहते चले जाओ। अरे मसीह में आ गया हूं, अभी थोड़ा कुछ और करूं क्या, नहीं बता, तुमने जो काम शुरू कर दिया बहुत अच्छा है, फिलिपियस बहुत अच्छा काम तुम्हारा शुरू हो गया, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ऐसे करने का पवित्र आत्मा की नदी में, हालेलुया, और वेंटर बहते जाओ, हालेलुया, कल आ रहा है शैले में खाना, बहते चले जाओ पवित्र आत्मा की नदी में। तुम अपोज मत करो, जो परमेश्वर का आत्मा तुमसे करवा रहा है वो करते चले जाओ, हालेलुया। अनंत काल का जीवन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। आइए हम लोग ये रेवलेशन 22 देखेंगे, रेवलेशन 22 उसका भी वर्णन देखिए। अभी हमने क्या किया, कलवरी क्रूस के देखा, अभी हम 1000 साल का जो शासन आने वाला है मिलेनियम रेन को हम देखेंगे, रेवलेशन 22। मुझे बिलो किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसके मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। जो बह रही है यह नदी कब आएगी, जब परमेश्वर 1000 साल के लिए शासन करेगा, वो नदी उसके सिंहासन से बहेगी, और वहां पर जेनेसिस सेकंड में जो आदम ने पाप कर दिया था, अभी देखो कैसे पाप कर रहे थे, क्या क्या लफड़ा हो रहा था, जब आदम ने पाप कर दिया, परमेश्वर ने जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर में बोला कि लेट देयर बी द लाइट, बोला कि नहीं बोला, प्रकाश हो जाए, बोला कि नहीं बोला, अरे बोलो हाँ बोला, बोला यस, अरे मुझे को भी एनकरेजमेंट चाहिए, हालेलुया, आई एम टॉकिंग टू स्पिरिट, स्पिरिट से बात कर रहा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का प्रकाश हो जा, क्या प्रकाश बोला, मैं नहीं हूँ, कल आऊंगा, कल हूँगा, हालेलुया, बोला क्या, नहीं बोला, लेकिन एडम को एक बार बोली, बाबा रे बाबा इसको फल मत खा, लपक के खा लिया, खाया कि नहीं खाया, यानी कि इन एनिमेट्स आर मोर ओबीडिएंट दैट अ लिविंग बीइंग, जो निर्जीव चीज है दैट लिसनिंग टू द लॉर्ड, द लिविंग थिंग्स आर नॉट लिसनिंग टू द लॉर्ड, जो चीज निर्जीव है सूखी हुई है वो परमेश्वर का क्या मान रही है, और जो जिंदा है जिसको अपने स्वरूप को समानतम बनाया है वो मसीह का विरोध करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वहां पर क्या लिखा, बाबा ने फिर पाप, फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, श्राप, श्राप नहीं होगा, श्राप कहां आया, जेनेसिस सेकंड में थर्ड में आया, अभी यहां पर जो अभी मसीह का मिलेनियम किंगडम आएगा वहां पर श्राप नहीं होगा, और जो फल जीवन का फल वहां पर आएगा, ज्ञान का फल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जीवन का फल आएगा, अरे बाबा जो हम लोग फल खाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 1000 साल तक मिलेनियम किंगडम के बारे में बोला, कभी श्राप नहीं होगा और हम उस फल से खाएंगे, टपक खा लेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, वो हमारे दुख ऐसे पहुंच गए, भाग लगे, कौन पूछेगा, मसीहा पूछेगा, वहां सूरज चांद तारे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सूरज चांद तारे प्रकाश कहां से आएगा, परमेश्वर से आएगा, वही से
से लाइट आएगा, वहीं से जीवन आएगा, वहीं से जल आएगा, वहीं से तुमको खाना मिलेगा। वही परमेश्वर बोला तेरी नदी बेटा बह रही है तेरी ओर। दुनिया में लोग बहुत निराश हैं, बहुत ही थके हुए हैं, उनको हौसला देना बड़ा पड़ेगा। लोग बहुत टूटे हुए हैं। आज हम संत या सेंट्स, आज हमारी जरूरत है दुनिया की। जो दुनिया करा रही है ले बालक पुत्र के प्रकट होने की राह दिख रही है। हालेलुया, द अर्थ इज ग्रोनिंग एंड वेटिंग फॉर द सन्स ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, देन लीड अस। अरे बाबा ये तुम मत सोचो एक बार दुआ करी नहीं पूरी हुई, तुम्हारा काम है यू हैव टू डू इट सिंपल। हालेलुया, हम लोग सोचते रहे करे बताए ना बताए करे करा। अरे बाबा छोड़ दो, तुम्हारा काम है बता देने का, बाकी खुदा बाप करेगा। तुम्हारा काम नहीं है कि सोचो कि हुआ क्या नहीं हुआ। Don't doubt in the Spirit, it's the work of the Holy Spirit. Let it flow. छोड़ देने कैसे? And you will move in the Spirit. अगर if you are fighting against the current, you are fighting against the Holy Spirit, what will happen? You will drown. तुम पवित्र आत्मा के करंट से, उसके बहाव से अगर लड़ोगे तो क्या होगा? डूब जाओगे। फिर ऑटोमेटिक ही हार जाओगे। हार दिया। डेड बॉडी क्या होती है? किनारे आती है ना? Amen. अभी आज के दो तरीके के बता रहा है। हिजकेल ने क्या बताया? एक पुरुष कल्वरी क्रूस का सिंहासन का बताया जहां से नदी आ रही है, तो उसके क्रूसिफिकेशन को बता रहा है। वहां दो चीजें निकली, एक पानी निकला और एक लोहू निकला। लोहू से पाप धुले, पानी से गॉस्पेल फैला, 12 चेडो से 12 दिन सब तरफ फैल गया। हां, यानी कि पहले यहां तक था। दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो लोग और गॉस्पेल। गॉस्पेल पहले यहां किनारे तक था, फिर गॉस्पेल यहां तक आया, गॉस्पेल यहां तक आया, गॉस्पेल भी यहां तक आ गया, दुनिया भर में चला गया। चार लेवल गॉस्पेल के और चार लेवल लोगों के मसीह जीवन के। और यजकेल ये बता रहा है कि मसीह कल्वरी क्रूस पर लटका है, जिसमें दो चीज। और यजकेल ये भी बता रहा है कि 1000 साल बाद मसीहा का सिंहासन लगेगा, वो भी बता रहा है। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर तार की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा उतार में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। बस हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अराबा मतलब डेड सी। डेड सी एक ऐसा जो समुद्र है, वो 14,010 फीट नीचे है। क्या सी लेवल से 14,010 फीट नीचे है, और उसका जो पानी है इतना खारा है कि समुद्र से 30% ज्यादा खारा है। उसका पानी इतना ज्यादा सॉल्टी कि 30% मोर सॉल्टी देन अनदर ओशन। कौन? डेड सी। डेड सी में एल्गी भी नहीं रहती है, यानी कि वो जो हरी हरी काई रहती ना, वो भी उसमें सर्वाइव नहीं करती। किसमें? अराबा तल डेड सी में, यानी कि वहां पर लाइफ तो हो ही नहीं सकती। इवन कोशिकाएं जो जिनसे जीवन बनता है वो भी नहीं रह सकती वहां पर, इतना खारा है। यानी कि कई लोग का जीवन इतना खारा है, इतना डेड है, वहां पर कुछ नहीं उतरा है, सूख गया है जीवन। हालेलुया, वहां कौन बह रहा है? कौन बह रहा है? इट इज गोइंग। और जल की एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जल जो है सबसे लोवेस्ट प्लेस पर जाता है, सर्च करता है। करंट जो पानी है हमेशा लोवेस्ट प्लेस पे जाता है। तो गॉस्पेल कहाँ बह रहा है? डेड सी में। हालेलुया, और जेरुसलेम से जो नदी बह रही है और ये डेड सी के बीच में क्या क्या पड़ता है? देयर इज द विल्डनेस, देयर इज अ डेजर्ट। विल्डनेस एंड द डेजर्ट, मेनी पीपल आर इन विल्डनेस। बहुत सारे लोग जो विल्डनेस में है, विल्डनेस आर बोले टेस्टिंग ट्रायल में है विल्डनेस में। हालेलुया, जीवन जल का सोता बह रहा है मसीह के अनुग्रह के सिंहासन से। पौसो बह रहा है मसीह के अनुग्रह के सिंहासन से। दिस न्यू वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड इज गोइंग थ्रू द इन ईस्टर्न डायरेक्शन, इज गोइंग टू द डेजर्ट, गोइंग टू द विल्डनेस एंड गोइंग फाइनली टू द डेड सी। यानी कि परमेश्वर का जो जल बह रहा है पहले कहां रहा है? विल्डनेस में। बहुत सारे लोग विल्डनेस में है, जो अपने विल्डनेस में है। मेरा भी विल्डनेस था जब मैं जैसलमेर में था, मेरा वो विल्डनेस था। कैसे विल्डनेस था? सुबह ड्यूटी, सुबह गए फिर खाना खाने है, फिर चले गए अगले दिन सुबह, हालेलुया, फिर शाम को चले गए। अब मेरे पास क्या था? जब मैं मसीह के एक साल हुआ था मेरे पास बाइबल रहती थी, दैट वाज माय विल्डनेस। और मैं वहां पर उस विल्डनेस क्या करता था? सोता था नहीं, व्हाटएवर।
हालेलुया। बड़ा विल्डनेस क्या होता है? विल्डनेस आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही कूल है, कंफर्टेबल जोन में है, आपको स्लीपर क्लास में चलना आपके लिए विल्डनेस हो सकता है। आप एसी टू टायर या फर्स्ट क्लास वाले आदमी हैं और भाई एयर जाते हैं, आपको अगर स्लीपर में जाना पड़े तो आपके लिए विल्डनेस है, इट इज अनकंफर्टेबल जोन। ऐसी चीज जो आपके साथ हो रही है जो आपको पसंद नहीं है, दैट इज विल्डनेस। जंगली जंगली जंगल के रास्ते में, सूखे रास्ते में जाना, जंगल रास्ते। परमेश्वर का जो वचन है कहाँ जा रहा है? विल्डनेस। विल्डनेस बाइबल बता रही है, यीशु बता रहा है कि परमेश्वर ने तुमको आगे पीछे से घेर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि बहुतायत का जीवन दूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं छोटा जीवन दूं। लिखा है यीशु मसीह इसलिए आया बड़ा जीवन दे। यीशु मसीह के एफिशिएंट तीसरे गायक इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे सोच से बढ़ के हमारे दुआओं को कबूल कर सकता है जो हमने सोची नहीं। पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 9 में लिखा है कि जो तूने आंखों ने नहीं देखी, कानों से तेरे चित्त में चढ़ा, इससे परमेश्वर ने योजना हमारे लिए बना रखी है। यरमयाह के 29:11 में लिखा है कि मैंने तेरे लिए योजना जो बनाई है भलाई की बनाई है। इफ यू मूविंग इन द विल्डनेस, अगर आप जंगल के रास्ते में जा रहे हैं तो घबराए नहीं। मसीहा बोला है कि आई विल नॉट लीव यू नॉट फॉरसेक यू, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। बाबा ये डराने के लिए नहीं, यीशु मसीह नहीं आया, बचाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मसीह आने पे हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना पड़ेगा, रूल्स में बंद जाऊं। नहीं बाबा, दिस इज अ मैसेज ऑफ ग्रेस। क्राइस्ट हैज कम फॉर द सिनर्स, नॉट फॉर द होली पीपल। यीशु मसीह आया था पापियों को बचाने के लिए। बाइबल लिखा है कि डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? जो बीमार होता है। अरे भले चंगे को डॉक्टर थोड़ी चाहिए। हालेलुया। दोज आर डेड इन स्लीप, दोज आर वॉकिंग इन विल्डरनेस, जो मरी अवस्था में, जो जंगली अवस्था में गुजर रहे हैं, जो अपने जीवन जीवन के जंगल में गुजर रहे हैं, जिनको जिनको परेशान है, परमेश्वर का वचन यहां तक जाना, बोला कि मैं तुमको जीवन जल का सोता बहाऊंगा, लिविंग फाउंटेन। यशायाह 43:19 निर्जन प्रदेश में। उसके बाद कहा जाता है डेजर्ट। हालेलुया, डेजर्ट प्लेस जहां पर कुछ नहीं है, रेती रेत है। परमेश्वर कह रहा है मैं वहां पर भी जीवन चला सकता हूं, वहां पर। अगर हम अपने जिंदगी में रेत में हैं, विल्डरनेस से और आगे बड़े लेवल में, बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल हम कुछ नहीं, वहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है वहां पर मैं जीवन ला सकता हूं। बिल्कुल टूट गए अपने जीवन में, कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वहां भी हरियाली ला सकता हूं, क्योंकि मेरा जीवन जब मैं सोचता अनुग्रह के सिंहासन से, विल्डरनेस से, जंगल पन के से, रेतीले स्थान से जाते हुए अभी डेड सी में जा रहे हैं। यहाँ पर डेड सी में लिखा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो हमने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा, उसमें लिखा है कि डेड सी भी फ्लरिश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? डेड सी शो करता है आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण बताता है। डेड सी क्या बताता है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या? अगर आप अमेरिकन उसमें अगर देखें तो उनका जो नौकरी जो देते हैं वो 90% आपकी स्किल पर नहीं देते हैं, द गिव यू जॉब ऑन द बेसिस ऑफ योर एटीट्यूड। जो वहाँ पर जॉब मिलता है, आपने सब जो डॉक्टरी करी, आपने MBBS किया है, आपने मेडिकल इंजीनियरिंग की है, तो इंडिया में क्या उल्टा होता है? इंडिया में डिग्री देखते हैं, हालां भैया उस पर जॉब देते हैं। अमेरिका में उल्टा है, वो लोग क्या करते हैं, आपका 90% आपका एटीट्यूड देखते हैं, 10% आपका डिग्री देखते हैं। कि आप एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड का बताता छोटा एग्जांपल। दाऊद ने जब गोलियत को देखा, दाऊद ने जब गोलियत को देखा तो क्या वो डरा था? क्या उसका दृष्टिकोण क्या था? ये मैन कैनॉट से एनीथिंग अगेंस्ट आवर लिविंग गॉड, आई विल टेक माय सोन, आई विल स्लो हिम, अभी मैं इस पत्थर दूंगा, उसको मार दूंगा। उस गोलियत का जो मत्था था इतना बड़ा था, हालेलुया, 9-10 फीट का था। ये मत्था भी उसका इतना बड़ा होगा ना बाबा, जब आदमी बड़ा होगा देगी तो ज्यादा फोरहेड बड़ा होगा ना। तो डेविड ने क्या कहा? डेविड ने कहा कि इसका मत्था इतना बड़ा है कि मैं इस पर निशाना मारूंगा। उसने उस मुश्किल में भी डेविड ने, दाऊद ने क्या देखा? उसका दृष्टिकोण क्या था कि यहोवा इतना बड़ा, इसका मत्था इतना बड़ा, शरीर निशाना मेरा बराबर बैठेगा। दैट इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज दिस दैट मसीहा हमारा निशाना बराबर लगाएगा हमारे लिए, यह हमारा दृष्टिकोण।
90% बाइबल आप पढ़ डालो, समझ आ जाएगा। दृष्टिकोण मेन होता है मसीह के लिए, मसीह सो मसीह राज के लिए। क्या आपका दृष्टिकोण क्या है? विल इट वर्क फॉर अनदर, विल वर्क फॉर यू? क्या तुम्हारे लिए काम करेगा, या तुम जिसको बता उसके लिए जीवन काम करेगा? ये आपका दृष्टिकोण शो करता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन सबके लिए, सबके लिए। हमारा दृष्टिकोण बदलने का मतलब, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? डेड सी के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, उसके लिए कुछ भी संभव असंभव नहीं। हालेलुया। Let's go to the place.